हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.6। और इसमें तकरीबन 7 क्वेश्चंस हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हम सातों के सात क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 ओपन कर लीजिएगा। इसमें देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है, और एक सिंगल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इधर डिनोमिनेटर 1 डाल देंगे, इधर भी वही आमने सामने। देखो अभी बराबर हुआ, ऊपर नीचे फ्रैक्शन, ऊपर नीचे फ्रैक्शन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखो हमने बराबर से फ्रैक्शनल फॉर्म में किया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 8x-3 डालो इज इक्वल टू 2x। देखो ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, अब ये वन जा में तो वो ही जाएगा ना, ओके, फिर 8x-6 और ये 3 है, उस तरह हो जाएगा। देखो फिर 8-6 कितना होता है, 2x, x इज इक्वल टू 3/2। ऐसे करना, सिंपल है, बहुत सिंपल है, हो गया ना। अभी इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले में। देखो ऐसे 9x-1 और 15, 7-6x, 9x 1 9x, 15 7 जा कितना होता है, 7 5 जा 35, 7 1 7 8 9 10, 105-15 6 जा 6 5 जा 30, 6 7 8 90, 90x, ओके ओके 9x 1 जा और 15 7 जा 10 7 5 30 7 8 9 10, 15 6 जा 90x, ओके। अभी ये 9x+90x इज इक्वल टू 105, ठीक है, फिर ये 99x 105 और 99 देख के उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका लोएस्ट कितना हो सकता है। लोएस्ट 5 में देखते हैं, पहली बार 105 में, 5 2 10, 3 23, 5 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 3 में जाएगा क्या, एक सेकेंड है, एक मिनट है, दोनों 3 में देखते हैं, 33 3 105, 3 3 9, अरे हो रहा, ग्रेट। तो इसको लोएस्ट करने पर क्या हो रहा है, दोनों 3 में जा रहे हैं, देखो 35 3 और 33 3, फिर ये कट 35/33, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो जेड 9z 4z 60, ठीक है, ऐसे करना है, 9z-4z इज इक्वल टू 60, 5z 60 को डिवाइड करो, 5 1 5, 12 5 60, 12 इज द आंसर, ओके। इसको पॉज करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ऑल राइट, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ही देख लेते हैं। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में फ्रैक्शनल फॉर्म में। -15 + 5 = 20 -10 - +6 = 13 - 15 - +, हो रहा है स्टूडेंट्स, तो 24 24, ओके, दिस इज द नाउ सेवन 3 = 21 वाई 4 3 = 12 4 y -m + -4 = 8
21y + 4y = -8 - 12। प्लस करने तो होगा 25y, माइनस है माइनस प्लस, ये भी 20 होगा राइट, या 20 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, फिर इसके बाद -20, 25। अभी इसको देखो लोएस्ट करना है तो 5, 4 = 20, 5, 5 = 25, तो -4/5 डन। ठीक है चलो इसे पॉज करके देख लो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हम देखेंगे आगे का जो होता है वो। ऑल राइट तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, यानी कि लेट, अभी 5:7 को कैसे लेंगे, 5x और 7x के तौर पे लेंगे, तो लेट हरीज एज बी कितना 5x एंड इट्स आर आर वाई एस एज बी 7x। ओके ये दो होगा 4 years from now, 4 years from now का मतलब क्या होता है, प्लस करना, द रेशियो ऑफ द एजेस बिकम 3:4, यानी कि इसको पहली बार तो ऊपर नीचे लिख दो बिकॉज ये 5x और 7x है ना, 4 years from now यानी कि प्लस करना है, 4 4 साल बाद 4 दोनों तरफ। ओके द रेशियो ऑफ द एजेस बिकम 3/4 ऐसे, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वापस समझाता हूँ रुको, ठीक है द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी इन द रेशियो 5:7 देख रहे हो, तो 5x और 7x, ठीक है 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि 5x + 4 7x + 4 द रेशियो ऑफ द एजेस बिकम 3/3:4, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सो ऐसे इतना अब ये देखो 1x - x हो गया, 1x होता है ना, 20 - 21 = 1x यानी कि -x, और ये 16 - 2 = 12 13 14 15 16 4 x = 4 यानी कि 5x कितना था 5 × 4 विच इज 20 years, ठीक है हरी की एज है 20 साल और हरी की एज है 7 × 4 = 28 ना 28 years। ओके 7x का क्या है 7x 7 4 28 years, ठीक है चलो पॉज करके देख लो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर समझ रहे हो ना आप लोग आखिरी वाला। ठीक है मैं रबाउट कर दूँ, नहीं नहीं मैं इधर ही कर लेता हूँ जगह है ना, साथ में पॉज करके अच्छे से फिर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप लोगों को पता है, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है ऊपर का नंबर और डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर, ये न्यूमरेटर होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8, यानी कि डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 बार ज़्यादा, मतलब 8 नंबर ज़्यादा एक्स्ट्रा है, मतलब बहुत उसको प्लस करना है। रुको मैं समझाता हूँ, लेट मैं n लिख रहा हूँ न्यूमरेटर पूरा लिखो, न्यूमरेटर यह जगह नहीं है ना इसके लिए, न्यूमरेटर b x एंड लेट डिनोमिनेटर पूरे इसमें लिखो b, अभी इधर क्या लिखा है ग्रेटर बाय 8 तो x प्लस 8 आप लोग समझे, ग्रेटर मतलब न्यूमरेटर अगर x रहेगा तो डिनोमिनेटर उससे 8 नंबर ज़्यादा है ग्रेटर है, 8 नंबर ग्रेटर है तो x प्लस 8, तो इसको कैसे लिखेंगे पहली बात तो ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैसे लिखें, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे ऐसे। ओके अभी आगे देखते हैं, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर जो नीचे का है डिक्रीज्ड यानी कि कम हो रहा है बाय 1, अभी देखो इंक्रीज का मतलब प्लस हो गया और डिक्रीज का मतलब हो गया माइनस, द नंबर ऑप्टेन इज 3/2, द नंबर ऑप्टेन इज 3/2 बहुत ईजी, न्यूमरेटर भी एक्स एंड डिनोमिनेटर भी x प्लस 8। ओके मतलब x प्लस 8 क्यों, क्योंकि वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है, 8 नंबर ज़्यादा है ये कह सकते हैं, तो x प्लस 7 x अपॉन फिर ये ऊपर नीचे लिखना है, फिर इंक्रीज बाय 17 एंड डिक्रीज बाय 1 ऐसे लिखो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। टू एक्स dx टू माइनस थ्री माइनस वन एक्स ट्वेंटी वन माइनस थर्टी ट्वेंटी वन हो रहा है। रुको इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, ट्वेंटी वन माइनस थर्टी फोर, वन एक्स नीचे लाओ और थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी वन कितना हो गया, थ्री थर्टीन हो गया। बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से, 34, इसके आगे नेगेटिव साइन है, बड़े नंबर का साइन डालना है आप लोगों को। अभी देखो दोनों तरफ माइनस कट होगा तो x इज इक्वल्स टू 13, यानी कि न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है स्टूडेंट 13 है, डिनोमिनेटर आप क्या करोगे x है ना, तो 13 प्लस 8 करो कितना हो गया, कितना 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ठीक है। मैं डायरेक्ट बाई चांस ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं करना चाहता ताकि मतलब रॉन्ग ना आए, इसके लिए मैं काउंट करता हूँ। तो न्यूमरेटर इज 13 एंड डिनोमिनेटर इज 21, तो ऐसे लिखो 13/21 इज योर आंसर ठीक है। चलिए पॉज कीजिए फिलहाल, तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज जो है 2.6 वो कवर अप हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर कराओ, शेयर करो इस वीडियो को, जितने आप लोगों के दोस्त हैं ग्रुप में जा कर के शेयर करो, देखना चाहे वो देखेंगे, नहीं देखना चाहे वो नहीं देखेंगे ठीक है। चलिए तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड माय डियर स्टूडेंट्स गॉड ब्लेस यू ऑल।